नमस्कार दोस्तों, एक्वा फिल्टर चैनल में आपका स्वागत है। पीछे आप हमारे आरओ प्लांट देख रहे हैं। 1000 लीटर का ये भी है, 1000 लीटर का ये भी है, और दोनों ही हमारे सेम प्लांट हैं। वीडियो बनाने का ये मकसद है कि कस्टमर यूट्यूब पे आता है, फिर वीडियोस देखता है, फिर वो सस्ता ढूंढता है, फिर कंपेयर करने बैठता है, वहाँ फंस जाता है। उसको नहीं पता चल पाता, क्योंकि सस्ता देने वाला कभी चीज़ डिफाइन नहीं करता है कि वो क्या दे रहा है। हमारे पास आप आओगे, वीडियोस में सारी चीज़ें बता देते हैं, एकदम ओपन क्लियरली बता देते हैं, और ये भी बता देते हैं कि अगर आप सस्ता प्लांट लोगे तो उसमें क्या क्या डिफरेंस आ जाएगा। तो आज यही पूरी डिफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करने आया हूँ। प्लांट्स के रेट बताऊँगा, प्रोडक्शन बताऊँगा, पावर कंजप्शन बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। तो आइए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 1000 लीटर का प्लांट है, ये हमारा 1000 लीटर का प्लांट है, ये हमारा 1 HP का उषा का पंप लगा हुआ है। यहाँ पे आप उषा लिखा हुआ देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है रॉ वाटर से हमारा पानी, पहले सिलेंडर में, फिर जाता है दूसरे सिलेंडर में। सिलेंडर की बात करें तो ये हमारा 3 साल वारंटी का वेसल है। 100% इनिशिएटिव के मेरे इसमें मल्टी पोर्ट्स लगे हुए हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इनिशिएटिव लिखा हुआ है, और ये इनके सीरियल नंबर भी पड़े हुए हैं, ये इनकी ओरिजिनलिटी की पहचान है। सेकेंड भी हमारे इनिशिएटिव का ही है, और सेकेंड सिलेंडर भी हमारा 3 साल की वारंटी वाला ही है। सस्ता कर देंगे, 1 साल की वारंटी वाला आ जाएगा, क्वालिटी थोड़ी हल्की हो जाती है। उसके बाद में हमारा आ जाता है पहला सिलेंडर, जो कि बाउल फिल्टर जंबो हाउसिंग, इसमें हम लोग डालते हैं, 2 स्पन डालते हैं, एक पीछे स्पन पड़ेगा, एक इसमें पड़ेगा। 2 पीसेज हैं हमारे, ये इम्पोर्टेड हैं। आप यूजुअली देखते होंगे डार्क कलर के, डार्क ब्लू वाले, वो थोड़े सस्ते आते हैं। ये अच्छी क्वालिटी का, इस वजह से इसमें अच्छा माल लगा रखा है। पंप की बात करें, जो इसमें हाई प्रेशर पंप लगा है वो हमारा लुबी कंपनी का लगा हुआ है। हाई प्रेशर पंप के बाद हमारा नंबर आ जाता है मेम्ब्रेन हाउसिंग का, हमने इसमें इम्पोर्टेड हाउसिंग लगा के रखी हुई है, जो कि ओरिजिनल 304 स्टील की है। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे प्रेशर मीटर पे। ये ऊपर वाली घड़ी है, ये नीचे वाली घड़ी है। एक हमारी घड़ी जो है पंप का प्रेशर बताती है, और हमारी दूसरी घड़ी जो है हमारा मेम्ब्रेन का प्रेशर बताती है। तो इससे हमें इंजीनियर को ये भी पता चल जाता है, और कस्टमर को भी पता चल जाता है कि किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारे फ्लो मीटर हैं, 3600 LPH का फ्लो मीटर लगा हुआ है। हम चाहें तो इसमें भी 2000 LPH का भी फ्लो मीटर दे देंगे तो भी काम करेगा, लेकिन हम 3600 लगा के देते हैं ताकि फ्यूचर में कस्टमर को आराम रहे। ये हमारा वेस्ट पानी दिखाता है, देखिए 800, 1200, 1800, 2400, 3600, और ये हमारा दिखाता है प्योर वाटर का। कंट्रोल पैनल है हमारा, ये कंट्रोल पैनल हमारा ऑटोमेटिक मैनुअल मोड पे दोनों चलता है। अभी हम मैनुअल पे अगर इसको लगा देंगे तो बटन से ऑन करना पड़ेगा, जैसे रॉ वाटर पंप स्टार्ट किया, देन आफ्टर हमने हाई प्रेशर स्टार्ट किया। अगर इसको हम ऑटो पे लगा देते हैं तो ये फायदा रहेगा, हमारी टंकी जैसे ही फुल होगी ऑटोमेटिक प्लांट बंद हो जाएगा, और जैसे ही टंकी खाली होगी प्लांट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, तो आपकी एक ड्यूटी खत्म हो जाती है। ये हमारा इसके अंदर पूरा कंट्रोल का अलग अंदर का सिस्टम है, देख सकते हैं। क्वालिटी पे ही हम लोग काम करते हैं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ताकि कस्टमर को हमेशा आराम रहे। अब पैनल की बात करें तो सेम ऐसे ही दिखते हुए आपको डुप्लीकेट पैनल भी मिल जाएंगे, लेकिन उनके साथ ये प्रॉब्लम है, आज ये तार जल गया, दूसरा वो तार जल गया, तीसरे दिन NCB जल गया, कहीं कुछ जल गया, कहीं कुछ जल गया, हमेशा लगा रहता है। सेम वही प्लांट ये भी है, आप इस प्लांट को भी पूरा देख लें, डिक्टो वही प्लांट है। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम लोग क्वालिटी पे ही काम करते हैं, तो हमने आपको क्वालिटी दोनों में दिखा भी दी। इसको अगर हम 1 साल का कर देते ये हल्का हो जाता। अब सबसे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताएं, पंप हमने आपको बता ही दिया था लूबी का है, 218 मॉडल है, और ये हमारी ड्यूकेन की इम्पोर्टेड मेम्ब्रेन है, ये US की मेम्ब्रेन है। आपको आमतौर पर चाइना, जापान और कोरिया की मेम्ब्रेनें मिलेंगी, ये 100% ओरिजिनल है। आप देख सकते हैं ये इनका मॉडल नंबर लिखा है, ये इनका स्कैनर है, सीरियल नंबर है, आप वेबसाइट पे जाकर के डिटेल निकाल सकते हैं। एक प्लांट के पावर कंजप्शन की बात करें तो 3 किलोवाट हमारा पंप लेता है, और स्टार्टिंग 3 किलोवाट से है, रनिंग इसकी 2 किलोवाट पे ही होती है। 1 घंटे में 1000 लीटर का जो हमारा प्लांट होता है वो आराम से 1200 से 1400 लीटर आपको प्योर वाटर निकाल करके देता है। कनेक्ट कर दो,
हम अपने 1,000 लीटर के आरओ प्लांट की बात करें तो 1,000 से 1,200 लीटर आराम से पानी निकाल करके दे, जो हम 1,000 लीटर क्लेम करते हैं। अगर हमारा 2,000 लीटर होगा तो वो 2,200 से 2,400 निकाल करके देगा, यानी कि जो हम क्लेम कर रहे हैं 1,000 लीटर का, अगर आप हमसे प्लांट ले रहे तो वो 1,300 से 1,400 लीटर बहुत आराम से पानी निकाल करके देता है। पानी की प्योरिटी लेवल की बात करें तो आप बिसलेरी का बॉटल ले आइएगा और पानी उससे हमारे कंपनी का इंजीनियर आपको टेस्ट करा के दे देगा। ये हमारा ये बताने का ये प्रूफ है कि आपको जो पानी मिलेगा वो टॉप क्वालिटी का ही मिलेगा। अगर मशीनरी अच्छी नहीं देंगे तो पानी कभी नहीं अच्छा आएगा। अगर आपने एक मशीन खराब लगा ली, सस्ती लगा ली, तो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, तो आप मार्केट कैसे सर्वाइव करेंगे? लोग कहेंगे कि आपके पानी में दम नहीं है, आपका पानी का टेस्ट खराब है, बदबू आ रही है, कड़वा लग रहा है, वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हम जो अपने प्लांट में केमिकल यूज़ करते हैं और सेडिमेंट में और कार्बन में, हम लोग सिलेंडर में इनमें सेडिमेंट डालते हैं, इसमें कार्बन डालते हैं, तो जो हम ये यूज़ करते हैं बहुत हाई क्वालिटी का यूज़ करते हैं ताकि पानी का टेस्ट हमेशा इंप्रूव रहे। जंबो हाउसिंग में जो स्पन हम लोग देते हैं वो 1 नंबर का देते हैं ताकि पानी की क्वालिटी अच्छी रहे। मेम्ब्रेन इंपोर्टेड देते हैं ताकि कस्टमर को हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स मिले। इस प्लांट की कीमत की बात करें तो ये हमारा 1.5 लाख रुपए का है। स्टार्टिंग की बात करें तो इसी प्लांट को अगर हम इसमें कम से कम में तैयार करना चाहें तो मात्र 1,10,000 रुपये में आपको 1,000 लीटर का आरओ प्लांट दे सकते हैं। आपको चाहिए हम देंगे, जो मार्केट में मिल रहा है वो भी हमारे पास है, लेकिन हमारा सजेशन ये रहता है कि अच्छी चीज़ लगाएं। बाकी अगर आपको 1-10 वाला प्लांट चाहिए, सेम इसी की तरह दिखेगा, आप फोटो देख लें, सेम आपको एकदम ऐसा ही प्लांट दिखेगा, 1,10,000 का होगा, बस छोटी छोटी चीज़ें उसमें हमारी चेंज हो जाएंगी। जैसे मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में अगर हम 4 मेम्ब्रेन की बात करें, 4,000 रुपये के हिसाब से 16,000 का मेरा इधर डिफरेंस आ जाएगा। पंप की बात करें तो 4-5 हज़ार रुपये का उधर डिफरेंस आ जाएगा। सिलेंडर वगैरह और फिल्टर वगैरह की मिला करके देखें तो 4-5 हज़ार का उधर डिफरेंस आ जाएगा, वही 30-40 हज़ार रुपये कम हो जाता है। चीज़ आपको खरीदनी है, डिसीजन आपका है। प्लांट के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, पावर कंजप्शन, प्योर वाटर, अगर आप पानी जार का सप्लाई करना चाहते तो ये प्लांट आपके लिए बेस्ट होने वाला है। एक आपको वाटर टैंक लगानी है जो कि 1,000 लीटर का होगा, उसमें आप प्योर वाटर स्टोर करके नॉर्मली टैप उसमें लगवा करके आप पानी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठंडा पानी करना है तो उसके लिए आप चिलर लगाएं, चिलर में 50,000 से शुरू हो जाता है। जो कॉइल वाला आता है जिसमें टैंक में कॉइल बिछी होती है कॉपर की, वो आपको 50,000 में हम दे देंगे। ऑनलाइन चिलर लेना चाहते तो 95,000 का ऑनलाइन चिलर होता है, पानी सर्कुलेट करके टैंक का ठंडा करता है, उसमें टंकी में आपको कॉइल वगैरह नहीं बिछानी पड़ती है। और अगर आपको फ्रीजर चाहिए तो मात्र हम आपको 1,30,000 में फुल स्टील का फ्रीजर दे देंगे, जो कि 1 साल की वारंटी के साथ आएगा। लाइफ की बात करें 5-7 साल चलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। सारी डिटेल मैंने आपको समझा दी है, डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस, हमारा मोबाइल नंबर सब कुछ लिखा हुआ है। आप अपने शहर में प्लांट मंगा सकते हैं, आकर के परचेज कर सकते हैं, प्लांट हमेशा रेडी रहते हैं हमारे पास। और अगर आपको ऑर्डर देकर के अपने शहर में मंगाना है तो एक्वा फिल्टर कंपनी में अकाउंट में पैसे जमा करके आप माल मंगा सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।